कि ये बताना कि भाई कौन सा राम है कौन सा शाम है राइट right? सिमिलरली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में विच ईदर साउंड द सेम या तो उनको जो उनका जो यू you नो know, हम प्रोनाउंस करते हैं वही सेम होता है या फिर उनकी स्पेलिंग लगभग सेम होती है एक दो यू नो बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा कहीं डबल लेटर्स यूज़ हो जाएंगे कहीं पर सिंगल लेटर यूज़ हो रहा है बट येस इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग राइट तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड दे आर वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग लाइक हमें समझ नहीं आता हम कौन से वर्ड को यूज़ करें यू नो किस वर्ड का क्या मीनिंग है क्या हर जगह सेम वर्ड यूज़ हो सकता है सो सम ऑफ दीज वर्ड्स भी Are going to consider in today's video. So, what we are going to discuss? We will discuss confusing words in इंग्लिश जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो भाई बेचारा बच्चा कंफ्यूज है क्या करूँ बाय वर्ड यूज करूँ या बाय वर्ड यूज करूँ यानी स्पेलिंग डिफरेंट है पर बोल क्या रहे हो दोनों को बाय ही बोल रहे हो राइट right? तो जब भी आपको लगता है कि आपको जरूरत है कुछ ऐसे वर्ड यूज करने की जहाँ पर आप बताना चाहते हो कि आपने कुछ पैसे देकर कुछ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करके कुछ खरीदा सो so, खरीदने वाले को बोलते हैं भाई बी यू बाय राइट सिमिलरली ये जो बाय वर्ड है ये आप यूज करते हो बहुत सारी चीजों के लिए फॉर एग्जाम्पल आप बताना चाहते हो कि भाई इससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए सो यू शुड रिटर्न बैक बाय फाइव पी एम पांच बजे तक आ जाना तो वहां एक बाय का यूज हो गया देन नेक्स्ट हम बोलना चाहते हैं किसी के यू नो नेक्स्ट टू यानी कि दे आर सिरिंग साइड बाय साइड तो बाय वहाँ पे यूज हो गया कि एक दूसरे के साथ यू you नो know, बिल्कुल एक बगल में अगल बगल में बैठे हुए हैं तो इस तरीके से बाय वर्ड के भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं और जो हम बाय बाय करते हैं बी बाय ई वो भी वैसा ही साउंड करता है राइट सो so, इसी तरीके से ये तो फिर भी ईजी है क्योंकि बी यू वाई बाय और बी वाई बाय हमें पता है कि भाई हमें कहाँ पे यूज़ करना है स्पेसिफिकली ये वाला तो हमें बहुत अच्छे से ही पता होता है इट्स जस्ट दैट अगर आपको कोई डिक्टेट कर रहा है नरेट कर रहा है कि भाई ऐसे ऐसे लिखो तो वहां पर कौन से बाय की बात हो रही है वो डिपेंड करेगा लाइक like, जो सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है वहां पर क्या किस कॉन्टेक्सट में बात हो रही है राइट सिमिलरली देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्ड्स जो कि बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं बट वाट इफ़ अगर हमें इनका मीनिंग समझ आ जाए वॉट इफ़ हम ये समझ जाए कि इनको भाई यूज़ कहाँ करते हैं और क्या डिफरेंस है इनमें इट वुड बी रियली वेरी ग्रेट नाउसोटेन वर्ड जो आपको लगा भी नहीं होगा कि अच्छा ऐसे भी कुछ डिफरेंस होता है एंड डिफरेंस तो है बट हाँ, याद कैसे रखे राइट right? तो ऐसे ही कुछ चीजों के जो कुछ सवाल है जो बड़ा परेशान करते हैं उन सबके आंसर जो है वी विल गेट टूडे इन दिस क्लियर ऑल राइट तो हम सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला कंफ्यूजिंग वर्ड दैट इज एरोन एयरक्राफ्ट अब दोनों ही सेम लग रहे हैं, right? But दोनों डिफरेंट हैं वो जिसमें उड़ते हो, हो, के लिए जाते हो, बहुत अच्छा सा व्यू दिखता है विंडो से, और मतलब कोई भी ऐसा जो कि फ्लाई करता है अब एरोप्लेन हो हेलीकॉप्टर हो हॉट एयर बलून हो एवरीथिंग द कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट क्लियर तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं एरोप्लेन की सो एन एरोप्लेन इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट यानी जो एरोप्लेन है वो क्या है वो एयरक्राफ्ट है ठीक है सारे एयरक्राफ्ट एरोप्लेन नहीं हो सकते पर सारे एरोप्लेन एयरक्राफ्ट होते हैं समझ रहे हो तो यहाँ पर वही चीज है कि एरोप्लेन एक स्पेसिफिक टाइप का एयरक्राफ्ट है दैट हैज फिक्स्ड विंग्स भाई फिक्स्ड विंग्स होते हैं हमेशा हमने देखा ही है क्या होते हैं भाई फिक्स्ड विंग्स होते हैं एंड देन एयर दैट इज केपेबल ऑफ सस्टेन पावर्ड एंड कंट्रोल्ड फ्लाइट like. अब इसके पीछे का जो साइंस है लाइक हाउ फ्लाई कैसे वो यू नो पूरी साइंटिफिक चीज़ें चलती हैं वो तो आपको तो ऑलरेडी पता ही होगी राइट बट अगर हमें जनरली एयरप्लेन को या एरोप्लेन को डिस्क्राइब करना है वी नो कि भाई फिक्स विंग्स होते हैं और ये जो है एक कंट्रोल्ड बिल्कुल एक कंट्रोल्ड वे में फ्लाई करता है ऐसा नहीं है कि कभी ऊपर नीचे हो रहा है जस्ट अगर टर्ब्यूनल हुई तो वो तो अलग बात हो गई बट ये जनरली हम एरोप्लेन सिर्फ इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट क्या होता है एयरक्राफ्ट इज एनी मशीन दैट कैन फ्लाई फॉर एग्जाम्पल बलून तो यहां पे आप हॉट एयर बलून को को एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट बोल बोल सकते हो, aeroplane को भी aircraft बोल सकते हो हो एरोप्लेन भी बट यस आप हर एयरक्राफ्ट को एरोप्लेन नहीं बोल सकते क्लियर तो आई गेस ये बहुत से कम लोगों को ही पता होगा कि भाई एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट एंटाइर डिफरेंट वर्ड होते हैं डन ऑल राइट नेक्स्ट है एडैप्ट अडप्ट adopt बहुत ज्यादा ही हो गया राइट तो बहुत लगभग मिलते जुलते वर्ड हैं बट कहीं कही ना कहीं आपको शायद अडॉप्ट का मतलब तो पता ही होगा राइट अडेप्ट का भी पता होगा अडेप्ट राइट right? तो ये हैं तीन वर्ड्स जो एक जैसे थोड़े लगभग यू नो साउंड करते हैं एंड दे आर काइंड ऑफ सिमिलर बस एक दो लेटर का डिफरेंस है यहाँ पर ई है यहाँ ए है, है वहाँ ओ है राइट right? बाकी सब कुछ सेम है तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में तो सबसे पहले एडेप्ट एडेप्ट जो है वो उन चीजों के लिए उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो किसी में यू you नो know, बड़े माहिर होते हैं अगर कोई पर्सन कुकिंग में माहिर है तो वो क्या है एडेप्ट इन कुकिंग सो वेरी स्किल्ड और प्रोफिशेंट एट Something. He is uh, adept in cooking. He is adept at lying. यानी कि अगर कोई किसी चीज में बहुत माहिर है बड़ा skilled है तो उसके लिए हम use करते हैं adept, डी ई पी टी अडैप्ट गुड एट डूइंग समथिंग या फिर किसी चीज को करने में बड़ा अच्छा हो कोई पर्टिकुलर चीज है उसमें वो बहुत ही माहिर है बहुत ही निपुण है कुशल है दैट वर्ड इज अडैप्ट फॉर एग्जाम्पल ही इज अडैप्ट टेलिंग झूठ बोलने में बड़ा माहिर है मतलब पकड़ ही नहीं सकते झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ये भी कला है राइट जो कि अच्छी बात नहीं है बट yes, जो बड़े यू नो स्मूदली लाई कर लेते हैं एंड वी kind of you know, कि सच था कि झूठ था तो वहां आप यूज कर सकते हो वर्ड सो ही इज एडेप नेक्स्ट क्या है भाई एडेप्ट Adapt मतलब to change for a न्यू सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल आप कहीं यू नो नए कोई लोकलिटी में रहने जाते हो आप ऐसे पर्सन हो आपको बहुत शांति पसंद है ऐसी ही सोसाइटी में आप रह सकते हो बट अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसा एरिया मिला है जहाँ पे बहुत शोर शराबा है बहुत सारे बच्चे हैं बहुत आवाजें होती हैं वहाँ पर तो आपको वहां अडेप्ट करना पड़ेगा यू विल है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वहां आप वर्ड यूज कर सकते हो, क्लियर? होग्जाम्पल एवरी वन हैड टू अडेप्टू सिचुएशन ऑब्वियसली एवरी वन हो जनरली भी बोल सकते हो एवरी वन हैज भाई ये तो एक नियम है कि चेंजेस तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है राइट सो वी रियली नीड टू अडेप्ट आर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड दिस इज समथिंग वी शुड बी रेडी फॉर एनी मोमेंट तो जैसे अगर आप किसी नए ऑफिस में जाते हो ठीक है ऑफिस कल्चर मिला आपको आपका पहला वाला ऑफिस ऐसा था वे यू वो फ्री यू कुड डू एनीथिंग आप चिल करके यू you नो know, काम कर सकते थे आपके ऊपर था आप ब्रेक लो आप घूमने चले जाओ कुछ भी बट काम होना चाहिए दैट्स इट बट जो आपका नेक्स्ट ऑफिस है अभी आपका जो न्यू ऑफिस है वहाँ के रूल्स कहते हैं वेदर यू आर ऑलरेडी डन विथ योर वर्क आपको जो ऑफिस टाइमिंग दिया है उसमें आपको कुछ ना कुछ करते रहना है यू के नॉट रोम अराउंड यू के नॉट चिल यू नॉट लिसन टू म्यूजिक यू के नॉट यूज ईयरफोन्स तो इस तरीके से कुछ रूल्स हैं तो ऑब्वियसली एंटायरली डिफरेंट है आपको आदत हो गई भाई चिल करके काम करने की यहां पे आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वे में काम करना है सो ऑब्वियसली यू के नॉट बी लाइक चेंज अकॉर्डिंग टू मी यू नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट तो वहां पर वर्ड यूज क्या करोगे अडेप्ट डन ऑल राइट तो आई होप एडेप और अडेप्ट आपको समझ आ गया है नेक्स्ट क्या है अडोप्ट टू लीगली टेक समथिंग एज योर ओन और टू बिगिन यूजिंग समथिंग फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ें हैं जो आपने चालू कर दिए यूज़ करना ठीक है जैसे आपके स्कूल में कोई नए रूल्स आ गए हैं ना यू गाइज हैव अडोप्टिड न्यू रूल्स ठीक है आप लोग उनको यूज़ करें उनको फॉलो करो या फिर लीगली जो होता है ना जो हम बोलते हैं कि somebody adopted अ चाइल्ड यानी लीगली किसी को लेना यू अ अल पपी तो स्ट्रीट डॉग तो इस तरीके से अगर आप लीगली किसी को कुछ चीज़ को यू नो ले रहे हो यू ओन दैट एंड अदरवाइज ऐसा जो सेकेंड मीनिंग है वो ये है इफ़ यू काइंड ऑफ बिगिन यूजिंग समथिंग एज तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हो वर्ड अडोप्ट नाट दिस फर्स्ट थिंग वो तो आप ऑलरेडी जानते हो माई नेबर्स अडोप्टिड अ चाइल्ड माई नेबर्स है चाइल्ड ठीक है अट्रीट डॉग कुछ भी लिख सकते हो वो हो गया पहला मीनिंग सेकेंड मीनिंग क्या है कि जब आप कुछ नया यूज करना स्टार्ट कर देते हो फॉर एग्जाम्पल द कंपनी हैज अडोप्टिड अ न्यू पॉलिसी जो कंपनी है जो ऑफिस है उन्होंने एक नई पॉलिसी एक नए रूल को अडॉप्ट किया है भाई पहले इन लोगों ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था बट नाउ दे हैव डिसाइडेड कि वो एक घंटा जो है पूरा जो ऑफिस टाइम है उसमें से एक घंटा अलॉट करेंगे टू एवरी यू नो एम्प्लॉई कि वो लोग जाकर एक रिक्रिएशनल एरिया बनाया हुआ है वहां पर गेम वगैरह खेल सकते हैं सो so दैट थोड़ा वर्क प्रेशर कम हो तो इस तरीके से उन्होंने एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया है सो देन दीज थ्री वर्ड्स कैन बी यूज हैव टू बी यूज डिफरेंटली ओनली एडेप्टेन

कोई भी एडवर्टीजमेंट राइट right, वो सोप की हो शैम्पू की हो एनी थिंग वो सब क्या होते हैं हम जब बोलते हैं क्या एड बनाइए मतलब क्या लॉजिकल एड है wow, कितनी अजीब है इसका तो कोई सेंस ही नहीं था सो so, वो एड जो है दैट इज व सिंगल डी ठीक है तो एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट जो होता है वो होता है एड फॉर एग्जाम्पल आई सॉ एन एड फॉर जॉब वे कंसीबीसी कंपनी यानी आई सॉ एन एडवर्टीजमेंट तो एडवर्टीजमेंट को छोटू सा बना के एड बोला जाता है बट जो सेकेंड वर्ड है जिसमें एक और डी एडेड है ऑब्वियसली बचपन से ही हम इसको पढ़ रहे हैं राइट right? ये क्या होता है रेफर्स टू एडिशन दैट इज एडिंग थिंग्स टूगेदर इट कुड भी यू आर एडिंग यू नो सम्स जो भी क्वेश्चन दिए हैं आपको कि भाई ये फ्रैक्शन इनको ऐड करो या फिर आप कोई चीज ऐड कर रहे हो किसी में फॉर एग्जाम्पल आप कोई रेसिपी पढ़ रहे हो राइट कुकिंग शो देख रहे हो कोई रेसिपी पढ़ रहे हो वहाँ पर जो भी शेफ हैं ही टोल्ड द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू ऐड टू स्पून ऑफ शुगर तो यू आर एडिंग समथिंग वहाँ पे भी डबल डी यूज आप करोगे तो so जब भी किसी चीज में कुछ जुड़ रहा है कुछ ऐड हो रहा है वही है ए डबल डी वाला एड क्लियर तो जब भी आपको टीवी पे एड दिखती है वहां सिंगल डी यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट याद रख सकते हो एडवर्टीजमेंट में एक ही डी होता है और दूसरा होता है एडिशन एडिशन में डबल डी होता है सो वी यूज ए डबल डी एज फॉर एडिंग समथिंग डन ऑल राइट तो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं एड का द टीचर आज द स्टूडेंट टू एड द ऑन द बोर्ड यानी टीचर ने बुलाया बच्चों को बड़ा होता था ये राइट कि बच्चों को अभी भी बुला देते थे हमारे मैथमेटिक्स के टीचर कुछ लिखे हुए हैं डिजिट इन सोल्व करके दिखाओ सबको पूरी क्लास को सो द टीचर आज दूडेंट कि भाई आओ ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं यू नीड टू एड कि प्लस करके दिखाओ क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट है अलॉट अलॉट आप दोनों ही सेम साउंड कर राइट एक है विधेस एंड सिंगल कोई स्पेस नहीं है तो अट मतलब अलग बोल रहे हो और अ लॉट लॉट मतलब क्या बहुत सारा राइट तो बहुत ज्यादा अमाउंट या लार्ज एक्सटेंट की बात कर रहे हो इट वुड बी अट क्लियर सो अ लार्ज एक्सटेंट और टू अज एक्सटेंट या तो बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा हद तक तो वहां पर हम यूज करते हैं अ लॉट क्लियर फॉर एग्जाम्पल राहुल लॉट ऑफ बुक्स टू रीड तो राहुल के पास बहुत सारी बुक्स है पढ़ने के लिए बहुत सारी इज एक्सप्लेनिंग यूज अमाउंट लार्ज एक्सटेंड तो वहां आप यूज कर सकते हो स्पेस वाला सिंगल एल वाला अ लॉट क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज अलॉट जैसे होता है ना कि आपको पता चलता है कि you have been allotted room number 13, है ना या फिर यू तो है इट्स टू शेयर आउट और असाइन इधर इट इज एक इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है आपसे या फिर आपको कुछ असाइन किया गया है आपको कुछ दिया गया है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ईच कैंडिडेट विल बी अलॉटेड थर्टी मिनट्स देर इज सम्पिटिशन गोइंग ऑन और उस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए यू गेट थर्टी मिनट तो आपको थर्टी मिनट का टाइम असाइन किया गया है वहां पर आप यूज करते हो अलॉट ठीक है याद कैसे रखना है भाई जब आप बात करो बहुत सारे अमाउंट की तो आप क्या बोलोगे अलॉट ठीक है ना मतलब बहुत ज्यादा लॉट है बहुत ज्यादा चीजें हैं तो वहां स्पेस वाला यूज करोगे अलॉट बट येस अगर आपको ये बताना कि आपने किसी चीज को असाइन किया है किसी को दे यू कैन यूज अ सिंगल वर्ड विथ डबल एल इट वुड बी अलॉट क्लियर ऑलॉट नेक्स्ट नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड का पैर है एडवाइस एडवाइस ठीक है अब देखो दोनों ही एक जैसे दिखते हैं एंड दोनों में ही ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये डिफरेंट है मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं हु थिंक दैट बोथ द वर्ड्स आर सेम दे कुड बी लाइक देर कहीं पे भी सी ई -E वाले को ऐसी वाली स्पेलिंग से रिप्लेस किया जा सकता है बट इट्स नो नो वाई बिकॉज यहाँ पर एक जो है वो नाउन है और एक जो है वो वर्ब है नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम राइट right. और वर्ब मतलब कोई एक्शन परफॉर्म करना कोई एक्शन वर्ड तो जब भी हम सलाह की बात कर रहे हैं सिर्फ कि भाई कोई सजेशन मिला मुझे मुझे ये एडवाइस मिली तो ये एडवाइस का इट्स नेम वो सलाह का नाम है तो वहाँ आप यूज़ करोगे वो वाली स्पेलिंग जो एक नाउन की तरह एक्ट कर रही है और वहीं जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या कोई एडवाइस दे रहा है किसी के एक्शन की बात हो रही है सलाह देने की बात हो रही है वहां आप यूज़ करोगे वो स्पेलिंग जो कि एक वर्ब की तरह यूज़ हो रही है नाउ विच वन इज यूज एज अउ विच वन इज यूज एज अ वर्ब लेट्स टू डिस्कस दैट तो जो सी ई -E वाली स्पेलिंग होती है इट्स अ नाउ ठीक है और जो यहाँ पे लास्ट में आप प्रनाउंस करोगे इसको इट वुड बी लाइक स एडवाइस ठीक है तो यहाँ पर इसे हम एज अ नाउन यूज करते हैं जस्ट इंडिकेट कि भाई हम सजेशन की बात कर रहे हैं किसी ने एक्शन परफॉर्म किया नहीं किया उसकी बात नहीं हो रही है बस एक सजेशन की बात हो रही है एक नाम की बात हो रही है दे वी यूज द स्पेलिंग A, a D V I C E. So it means it means a suggestion about what you should do. सिर्फ एक suggestion की बात हो रही है कि भई करना क्या चाहिए या फिर you know हमें यहाँ पर क्या कदम उठाना चाहिए तो वो सिर्फ एक suggestion का नाम है. There we would use this spelling. For example, I need my father's advice on which bike to buy. यानी ये मुझे अपने पापा की एडवाइस चाहिए कि मैं कौन सी बाइक खरीदूँ या फिर कौन सा बाइक खरीदूँ, राइट तो यहाँ पर ये है कि आप बात कर रहे हो कि आपको अपने पापा की सलाह चाहिए सो है यू आर यूजिंग इट एज अउन क्योंकि पापा ने सलाह दी एक्शन काम करने यू नो परफॉर्म करने की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ सिर्फ एक नाम की बात हो रही है तो दैट्स वाई यू वुड यूज़ दिस स्पेलिंग है क्लियर अब अगर हमें दूसरी स्पेलिंग की बात करनी है इट वुड बी एक्टिंग एज अ वर्ब यानी जब एक्शन परफॉर्म हो रहा है एडवाइस देने का काम हो रहा है It is a verb, then you will use the spelling ADVISE. Clear? So, this means to suggest what should be done.

काम कर रहे हो यू आर परफॉर्मिंग एन एक्शन वर्ड जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस स्पीकिंग

क्या वहां पे एडवाइस देने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है वर्ब है तो तो भैया ऐसी वाला लगाएंगे नहीं तो फिर सी ई -E वाली स्पेलिंग लगा देना डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अश्योर एंड श्योर ठीक है अब दोनों ही ऑब्वियसली साउंड तो डिफरेंट कर ही रहे हैं स्पेलिंग में भी क्लियरेंस है कि हाँ ठीक है बट डिफरेंस क्या है कहीं ना कहीं अश्योर एंड श्योर सेम ही लगता है कि भाई हर जगह यूज कर सकते हैं या कहा यूज करें वो एग्जैक्टली exactly क्लियर नहीं होता सो इट्स अ कन्फ्यूजिंग पेयर सो अश्योर का मतलब होता है टू रिमूव एनी डाउट जब आप किसी को भरोसा दिलाते हो कि नहीं इसका मतलब यही है या फिर इसको हम इसी तरीके से करेंगे डोंट वरी इसका रिजल्ट ऐसा नहीं निकलेगा तो जब आप किसी के डाउट्स क्लियर कर रहे हो ना अगर किसी को कुछ डिलेमा में है कोई कंफ्यूज है कि भाई क्या करें क्या नहीं तो वी यूज द वर्ड अश्योर तो इट मीन्स आश्वासन देना या भरोसा दिलाना किसी को फॉर एग्जाम्पल आई अश्योर यू वी विल रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम फॉर एग्जाम्पल देर इज योर फ्रेंड या फिर आपकी फैमिली के लिए आप लोग जा रहे हो एंड यू गाइज अ लिट बिट लेट ठीक है आपने थोड़े लेट हो गए हो तो सभी जो है टेंशन में है कि हम लोग एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली फ्लाइट छूट जाएगी सो यू आर द वन जो कि उनके सबके डाउट्स क्लियर कर रहे हो कि नहीं भरोसा रखो मतलब मैं ये गारंटी देता हूँ या फिर मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि हम जो है एयरपोर्ट पर टाइम पर पहुंच जाएंगे सो दे यू वुड यूज द वर्ड अश्योर आई अश्योर यू दैट वी विल रीच ऑन यू नो द एयरपोर्ट ऑन टाइम क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज एन श्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर इट हैपन्स मतलब जब आप हंड्रेड परसेंट गारंटी देते हो ना किसी चीज की तब हम वर्ड यूज करते हैं एन्श्योर अश्योर कब बोल रहे हो जब आप सामने वाले को भरोसा दिला रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा बट जब आप सामने वाले को गारंटी दे रहे हो आप 100% परसेंट श्योर sure हो और सामने वाले को ये बता दे रहे हो कि भाई होगा ही होगा आई मेक श्योर कि इट हैपन्स तब आप वर्ड यूज़ करते हो एनश्योर फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू वर्क हार्ड टू एन्श्योर आई गेट द जॉब तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ये 100% परसेंट यू you नो know, बिल्कुल अप्रूव करने के लिए या 100% ये चीज़ होनी ही चाहिए कि मुझे जॉब

ठीक है अब दोनों ही सेम साउंड करें बट देर इज अ डिफरेंस ऑब्वियसली इन द स्पेलिंग एंड ऑल्सो इन द यूसेज तो पहला जो है वो है एक्सेप्ट कर लेना ठीक है मतलब आपने किसी चीज को जो है वो ले लिया वैसा का वैसा यू आर लाइक ओके विद इट तो आप जब अग्री कर जाते हो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हो यानी आप अग्री करते हो टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग टू रिसीव दैट थिंग या टू यू नो काइंड ऑफ अग्री व्यू पॉइंट तब आप यूज करते हो ए डबल सी ई पी टी यानी एक्सेप्ट ठीक है बट जब आप बताना चाहते हो कि इस चीज़ के अलावा देन इट वुड बी एक्सेप्ट ई वाला क्लियर तो जब आप ये बोलना चाहते हो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस सजेशन तो वो हो गया ए वाला एंड इफ यू आर लाइक आई एम ओके विथ ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट दिस तो वहाँ पर आप यूज कर रहे हो समथिंग जो कि एक्सक्लूड करके बता रहे हैं यानी इसके अलावा या इस चीज को हटा कर क्लियर सो एक्सेप्ट मीन्स टू अग्री और टू रिसीव समथिंग ऑफर्ड फॉर एग्जाम्पल ही नीड्स टाइम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द जॉब भाई किसी को कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर आया है बहुत अच्छी सैलरी है बहुत अच्छे पर्कस हैं बट डेफिनेटली उसमें कुछ तो आ, कुछ ऐसा है जो आपके लिए डिफिकल्ट है लाइक यू आर इन डिलेमा यू आर कंफ्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग सो यू नीड टाइम राइट आपको समय चाहिए ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर सको यानी कि आप यू नो रेडी हो जाओ टू अग्री विद इट तो वहाँ आप यूज़ करोगे ए डब्ल सी ई पी टी बट देन नेक्स्ट इज एक्सेप्ट इट मीन्स एक्सक्लूडिंग ऑल विद द एक्सेप्शन ऑफ यानी इस चीज़ को हटाकर या इस चीज़ के अलावा जब हम ऐसा कुछ यूज करना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं ई एक्स सी ई पी टी वाली स्पेलिंग फॉर एग्जाम्पल आई वर्क एवरी डे एक्सेप्ट सनडेज तो मैं हर दिन काम करता हूँ बस संडेज को छोड़कर सो यू वॉन्ट टू टेल कि आप संडे को हटा रहे हो एक्सक्लूड कर रहे हो अपने इस सेंटेंस से सो यू यूज द वर्ड एक्सेप्ट यानी कि विद द एक्सेप्शन ऑफ संडे क्लियर ऑलरेड नेक्स्ट इज ऑलरेडी ऑल रेडी यानी दोनों ही सेम साउंड हैं बट अगेन वही है एक में स्पेस है एक में डबल है और एक में सिंगल है और नो no स्पेस है राइट right? अब दोनों में डिफरेंस है जब हम बोल रहे हैं ऑल रेडी तो देखो जब सेपरेट है वर्ड इसका मतलब आप ऑल को इंपॉर्टेंस दे रहे हो यानी सभी को तो जब आप बोलना चाहते हो एंटायरली रेडी एंटायरली यानी सब कुछ बिल्कुल तैयार है सब कुछ प्रिपेयर है सब कुछ रेडी है तो सब कुछ समथिंग जिसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो दैट टाइम यू वुड यूज स्पेस वाला ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑल रेडी फॉर द पिकनिक यानी हम सब तैयार हैं तब आप यूज कर रहे हो भाई किस क्या बताने के लिए कि आप सबकी बात कर रहे हो वेर? इम्पॉर्टेंस लाए इन देंटेंस कहां पर कि यह बताने के लिए कि एवरीबडी इज रेडी हर कोई तैयार है तो वहां आप ऑल और रेडी को सेपरेट वाला यूज करोगे तो दैट मीन एवरीबडी क्लियर नेक्स्ट इज ऑलरेडी तो जब हम नहीं बोलते हैं कि आ, मतलब अभी तक जैसे हम बोलते हैं कि ओके दे अराइव्ड ऑलरेडी यानी कि अभी तक आ गए तो यहां पर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं ये वाले ऑलरेडी के जहाँ स्पेस नहीं है और सिंगल एल है सबसे पहला होता है बिफोर नाउ यानी कि अभी के जो अभी का टाइम है उसकी पहले की जब आप बात करते हो तब हम यूज करते हैं ऑलरेडी अब एक, एक, एक सेंटेंस देख लेते हैं देन वी वुड जम्प टू अदर मीनिंग्स आई हैव ऑलरेडी ईट मतलब मैंने खाना पहले ही खा लिया है अभी जैसे सब लोग बैठे हैं डिनर के लिए एवरीबडी इज देयर और आपसे बोलता है कोई कि यू ऑल्सो हैव समथिंग और आप बताना चाहते हो कि अभी थोड़े समय पहले ही मैंने खाना खा लिया है सो आई हैव ऑलरेडी टन तो मैंने पहले ही खाना खा लिया है तो यहां पर आप बिफोर नाव को बताने के लिए ऑलरेडी यूज करोगे सेकेंड मीनिंग हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम कोई टाइम था जो कि स्पेसिफाइड टाइम था कि हाँ भाई पांच बजे ट्रेन आएगी बट ट्रेन जो है वो फोर फोर्टी फाइव के फिफ्टीन मिनट्स पहले आ गई सो so, जो स्पेसिफाइड टाइम था उसके पहले कोई चीज हो जाती है तब भी हम यूज करते हैं वर्ड ऑलरेडी क्लियर सो दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट यानी जैसे कि हम लोग एवरीबडी इज़ यू नो गोइंग फॉर अ वेकेशन तो आप सब लोग जो हैं सब रेडी हो चुके हैं ठीक है ना ऑल आर रेडी और सब लोग आप वेट कर रहे हैं कि भाई हम लोग जाएं अब रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हैं या एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं एंड यू सो कि देर आर थ्री मेंबर्स ऑफ योर फैमिली जो भी नहीं आए तो जब आप बोलते हो कि भैया तीनों कब आएंगे हम लोग लेट हो रहे हैं सो so left, टेल्स यू दैट दे था कि आप सब लोग एक साथ निकलेंगे बट वर थ्री मेंबर्स जो जल्दी रेडी हो गए तो वो पहले ही चले गए तो स्पेसिफाइड टाइम से पहले हो गई चीज दैट्स वाई वी यूज वर्ड ऑलरेडी नेक्स्ट एंड द लास्ट मीनिंग इज सो यानी जब चीज कोई ऐसी हमको लगती है इतनी जल्दी हो गई मतलब ये हो गया तो जब हमको वो आश्चर्य दिखाना होता है ना लाइक वो सरप्राइज एक्सप्रेशन दिखाना होता है हमको तब हम यूज करते हैं ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल इज इट नू ऑलरेडी यानी जैसे कि आप जो है सुबह उठे आप काम वाम कर रहे हो इतने बिजी हो गए आप काम में कि आपको टाइम का पता ही नहीं चला योर मॉम केम शी इज लाइक कि भाई दो बज गए हैं राइट इट्स टू पी एम टू नून और आप तुम्हें खाना खा लेना चाहिए यू शुड हैव योर लंच एंड यू आर लाइक शॉक्ड कि क्या नून हो गया मतलब दोपहर हो गई सो दैट टाइम यू कैन यूज इज़ इट नून ऑलरेडी सो दीज आर द थ्री मीनिंग्स यू कैन डेफिनेटली यूज़ वेनेवर यू वॉन्ट टू यूज द वर्ड ऑलरेडी और जब आपको सिर्फ इतना बताना है कि सब कुछ रेडी है सब कुछ प्रिपेयर है सब कुछ को इंपॉर्टेंस देना है दैट टाइम यू विल यूज ऑल स्पेस रेडी क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज अल्यूजन इल्यूजन दोनों सेम साउंड नहीं कर रहे हैं बट येस yes, दोनों में कन्फ्यूजन ज़रूर होता है इनके मीनिंग को लेकर कि कहाँ अल्यूजन को यूज़ करना है कहाँ इल्यूजन को यूज़ करना है तो अल्यूजन मीन्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग किसी चीज को यूज कर कर आप इनडायरेक्टली कोई इशारा कोई संकेत देना चाहते हो इंडिकेशन देना चाहते हो दैट टाइम वी यूज द वर्ड अल्यूजन फॉर एग्जाम्पल द टाइटल इज एन परल्यूजन टू कैंसर जैसे कि आपने कोई बुक बुक पढ़ी ठीक है कोई बुक है उसका टाइटल आपने पढ़ा एंड यू हैव नॉट येट स्टार्ट रीडिंग तो समबडी आज क्या लगता है भाई बुक किस बारे में होगी टाइटल से क्या समझ आ रहा है सो एज यू रेड द टाइटल यू आर लाइक कि ये कुछ यू नो इंडिकेट कर रहा है या संकेत दे रहा है किसकी तरफ कैंसर डिसीज की तरफ सो दैट टाइम यू कैन यूज कि हाँ ये जो टाइटल है परहैप्स यानी मे बी क्या है ये ये एक संकेत है एल्यूजन है टू कैंसर डन नेक्स्ट इज इल्यूजन इल्यूजन Altyazı कुछ ऐसा जो दिख रहा है बट वो है नहीं यानी फॉल्स इंप्रेशन जैसे हम हिंदी में कहते हैं भ्रम जब हम बोलते ना तुम्हें तो कोई भ्रम हुआ होगा यानी कि कोई फॉल्स इंप्रेशन पड़ा होगा समथिंग दैट यू फेल्ट कि हाँ ऐसा कुछ है बट वैसा नहीं है दैट टाइम वी यूज द वर्ड इल्यूजन फॉर एग्जाम्पल इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इल्यूजन एंड रियालिटी यानी कि अगर आपको कोई चीज़ दिखाई यू नो आपने कुछ रियल में देखा है एंड देन यू सॉ लाइक इट्स इल्यूजन आपने कुछ आपको कुछ फेक करके दिखाया गया सो यू आर लाइक कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या यू you नो know, क्या सच्चाई है या क्या भ्रम है सो दैट टाइम यू यूज द वर्ड इल्यूजन नॉट अल्यूजन क्लियर तो अल्यूजन मींस अ इनडायरेक्ट रेफरेंस एंड इल्यूजन मींस विच इज अ फॉल्स इंप्रेशन डन ऑल राइट नेक्स्ट इज बॉन बॉन अब एक में ई है एक में नहीं है ठीक है तो जो पहला वाला बॉर्न है वो तो आई गैस सभी को पता है बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं बिकॉज हम जब माई सेल्फ वाले टेन लाइन्स याद करते हैं बचपन से वी टेल एवरीबडी राइट आई वॉज बॉर्न ऑन जो भी डेट होती है तो वो हो गया वो वाला बॉर्न बट एक और है जिसमें ई है सो इट्स डिफरेंट सो लेट्स जस्ट डिस्कस फर्स्ट वन एग्जिस्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बर्थ यानी कोई चीज़ पैदा हुई है कोई चीज़ का बर्थ हुआ है किसी का बर्थ हुआ है तो वहां पर आप यूज करते हो बॉर्न वर्ड विदाउट एन ई अगर कोई होता है जो कि यू you नो know, वो चीज शुरुआत से अच्छी कर लेता है बिना सीखे समझे तो हम क्या बोलते हैं दिस पर्सन इज बॉर्न फॉर दिस या जैसे कि यू you नो know, कई बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं तो वहां पर हम बॉर्न से क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई ये लोग तो बने ही थे इस चीज को करने के लिए दे ऑलरेडी हैड दिज इन बिल्ट

बॉन क्लियर नेक्स्ट इज बॉर्न इट मीन कैरीड बाय यानी किसी के आगे अगर हम बॉन्ड लगा देते हैं या जोड़ देते हैं स्पेलिंग को इसका मतलब होता है उसके थ्रू ये कैरी होती है जैसे हम यूज करते हैं वॉटर बॉर्न डिसीज राइट यानी कि पानी के थ्रू ये डिसीज फैलती है पानी में ही गंदा पानी अगर हम पी लें तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उससे फिर ये बीमारी होती है तो दैट इज वॉट एन ई वाला बॉन देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बैर जब हम बोलते ना आई कॉन्ट बैर दिस यानी तो तो जब आप उसका past participle use करना चाहते हो, that time you use the spelling -E, clear? तो ये है ऑफ वर्ब ऑफ वर्ड बेयर दोनों की सेंटेंस देख लेते हैं नंबर वन कैरीड बाय सो दिसीज इज एयरबोर्न वही ये जो पर्टिकुलर डिसीज है वो हवा के थ्रू फैलती है तो एयर बॉर्न कैरीड बाय एयर तो वहां आप यूज करोगे एन ई वाली स्पेलिंग देन ही हैड बोर्न इट ऑल विदाउट टेलिंग टू एल्स यानी कि उसने ये सारी चीजें जो है खुद टॉलरेट करी बट किसी को बताया तक नहीं तो वहां आप यूज कर रहे हो बैर वर्ड का पास्ट पार्टिसिपल दैट टाइम यू वुड यूज एन ई वाली स्पेलिंग क्लियर तो कैसे आपको डिफरेंस दिख रहा है वो समझ आ गया होगा ऑल दो यू वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फर्स्ट वर्ड बट येस जहां पर ई वाली बात आती है तो उसका मीनिंग क्या है एग्जाम exactly i hope abo clear ho gaya done all right next pair is coward and then cower तो दोनों ही क्या है डिफरेंट है साउंड भी डिफरेंट कर रहे स्पेलिंग भी डिफरेंट है बट येस yes, इनका मीनिंग क्या होता है कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते तो कावर्ड का मतलब होता है वन हु लैक्स करेज ठीक है ना जो डरपोक होता है जिसमें ब्रेवरी नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये तो कावर्ड है यानी ये डरपोक है तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो पहला वाला वर्ड फॉर एग्जाम्पल एवरी वन कॉल्ड सूरज अ कावर्ड सब लोग सूरज को क्या बुलाते थे डरपोक बुलाते थे क्योंकि क्योंकि वो कोई भी छोटी सी आवाज भी करो कोई यहाँ को सरप्राइज भी दो तो डर जाता है तो वो क्या हो गया एक कावर्ड उसमें बिल्कुल भी, भी हिम्मत नहीं है कावर का मतलब होता है टू श्रिंक इन फियर यानी कि अगर आप जो है डर गए तो आप एक जगह कोने में बैठ गए ना बोलते ना कि डर के मारे कोने में बैठ गया तो उसको हम यूज़ करते हैं वर्ड कावर से ठीक है सो so, अगर कोई बोल रहा है टू कावर तो इसका मतलब हो गया टू श्रिंक इन फियर डर के मारे कहीं कोने में बैठ जाना फॉर एग्जाम्पल दे ऑल का साइलेंटली इन देयर प्लेसेस एज दे न्यू सम समेरेबल थिंग वॉज अबाउट

अब दोनों ही कैपिटल हैं एक में ए है एक में ओ है, है पहला वाला कैपिटल आ गया सभी को पता है इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोलता है कि फिल इन द डिटेल्स इन कैपिटल लेटर्स तो वहां पे कैपिटल का मतलब क्या होता है अपर केस लेटर्स राइट यानी कि ये जो हम बोलते ना बड़ी ए बी सी डी वो होते हैं अपर केस तो जब कोई बोलता है, is is पूंजी है, है हमने बहुत इकट्ठा करके रखा है लाइफ टाइम से तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल है ठीक तो है तो रिलेटेड टू मनी वेल्थ हम यूज करते हैं सिटी दैट सर्व एज दीट ऑफ कंट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट यानी yani, सीधे सीधे बोले तो जब हम बोलते हैं ना इसका कैपिटल ये है इस कंट्री का कैपिटल ये है तो राजधानी जब हम बताते हैं तब भी हम क्या वर्ड यूज करते हैं कैपिटल तो तीनों ही मीनिंग के सेंटेंस देख लेते हैं नंबर वन द नेम वॉज टू बी रिटर्न इन कैपिटल्स यानी कि जो भी नाम लिखना था हमको फॉर्म में या किसी में भी वो हमें अपर केस लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में यूज करके लिखना था नंबर टू अक्यूमलेटेड वेल्थ का सेंटेंस देखते हैं आई आई हैव इनफ कैपिटल विल इन्वेस्ट इट इन माय बिजनेस जैसे ही मैं बहुत सारा पैसा आप उन जमा कर लूंगा वैसे ही मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा उस पैसे को तो वहां पर भी पैसे बताने के लिए आप वर्ड कैपिटल यूज करते हो नेक्स्ट न्यू डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया भाई हमारी कंट्री इंडिया का कैपिटल क्या है न्यू डेली तो वहाँ पे भी हम इस कैपिटल स्पेलिंग को यूज़ करते हैं सो यू कैन यूज ऑल यू नो जितने भी तीनों मीनिंग है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड कैपिटल विथ ए डन ऑल राइट नेक्स्ट क्या है भाई कैपिटल ही है बट यस द स्पेलिंग डिफर्स इट इज ओ एल सो इसको हम यूज करते हैं टू टेल अबाउट अ बिल्डिंग ठीक है कौन सी बिल्डिंग इन विच द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट मीट्स अब कुछ मीटिंग होती है जहाँ पे लेजिस्लेटिव यू नो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसको बोलते हैं कहीं कहीं पे जो लॉयर्स वगैरह की मीटिंग होती है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को भी कैपिटल कहते हैं जैसे ज्यादातर इसको यूज किया जाता है द कैपिटल इज अ मैग्निफिशेंट बिल्डिंग कौन से कैपिटल यूएस में है ठीक है सो दिस इज अ वेरी बिग बिल्डिंग तो इसको भी हम क्या बोलते हैं इस बिल्डिंग को कैपिटल बट बट ठीक है और जब आपको ए वाला कैपिटल यूज करना यू ऑलरेडी ऑलरेडी नो द मीनिंग्स सो ये कैपिटल वाला तो पता ही था ए वाला बट नाउ ऑल्सो यू नो कि हाँ ऐसा कुछ भी वर्ड होता है और इसको सिर्फ एक बिल्डिंग को बताने के लिए यूज करते हैं डन ऑलरेट नेक्स्ट इज हाँ ये है मजे वाला पैर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सभी एक जैसे हैं, राइट बट सबका ना जो मीनिंग है वो इंटायरली एक दूसरे से डिफरेंट है जब हम बात कर रहे हैं ई वाले की ठीक है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री तो इसका क्या मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू थिंग्स गो वेल टूगेदर यानी अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करती है या फिर कोई पर्सन जो है एक पैर है कपिल है एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को कॉम्प्लीमेंट करता है यानी कि दोनों एक साथ अच्छे लग रहे हैं एक जो है वो दूसरे की वैल्यू बढ़ा रहा है तब हम यूज करते हैं वर्ड कॉम्प्लीमेंट विथ ई दे मेक इच अदर अपियर बेरा तो जब कोई चीज़ें एक जैसा साथ जाएँ यानी हम बोलते ना कि जैसे आपने कोई ड्रेस ली ठीक है ना अब आपने कोई ड्रेस ली तो उसमें जो अपर आपका जो है पार्ट जो भी ड्रेस है फॉर एग्जाम्पल कोई शर्ट है तो उसका कलर और आपका जो जीन्स का कलर है इट्स काइंड ऑफ मैचिंग वो एक साथ जा रहा है सो वेन यू वर चूज समथिंग जो कि एक साथ जाए तो क्या होना चाहिए दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें राइट टू थिंग्स गो वेल टूगेदर तो वहां पर आप ई वाली स्पेलिंग यूज़ करते हो नंबर टू अगर आप किसी इंसान की बात करो पर्सन की बात कर रहे हो तो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अच्छा दिखा रहा है यानी कि दे मेक अ वेरी नाइस पेयर या फिर एक जब दूसरे को यू नो और ज़्यादा बोल सकते हो वैल्यू um, दिलवा रहा है दैट टाइम वी ऑल्सो यूज द वर्ड कॉम्प्लीमेंट क्लियर फॉर एग्जाम्पल हर ज्वेलरी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट द कलर ऑफ आउटफिट तो यहाँ बात हो रही है ज्वेलरी की और बात हो रही है कलर की ठीक है तो उसने जो ड्रेस पहनी उसका कलर और जो उसने ज्वेलरी पहनी वो दोनों एक साथ जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्लियर तो जब एक चीज दूसरी चीज को एक साथ यूनो और अच्छा दिखाए या फिर दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं तब हम यूज करते हैं वर्ड कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या होता है ई वाला डन अब यही हो गया कॉम्प्लीमेंट्री ई वाला तो इसका मतलब क्या है टू थिंग्स आर डिफरेंट बट गो टूगेदर वेल समथिंग दैट समथिंग एल्स एज वेन टू थिंग्स गो वेल टूगेदर यानी आपको अगर इसका मीनिंग समझ आ गया तो ये भी वही है बस इसको हम यूज़ अलग तरीके से करते हैं यानी यहाँ पर आप वही बता रहे हो ना कि दो चीज़ें ऑब्वियसली अलग अलग हैं बट एक जैसी एक साथ अच्छी लग रही हैं या एक दूसरे की वैल्यू बढ़ा रही हैं उसी तरीके से जब ही कोई चीज़ें हैं दो ऑब्वियसली डिफरेंट हैं बट एक चीज़ दूसरी चीज़ को और ज़्यादा वैल्यू दिला रही है और ज़्यादा आ, अच्छा बना रही है अच्छा दिखा रही है तब हम यूज करते हैं वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एग्जाम्पल पूजा हैड डिफरेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स यानी पूजा के पास वो दोनों स्किल्स जो थी वो डिफरेंट थी बट दोनों ही क्या थी कॉम्प्लीमेंट्री थी यानी अगर एक स्किल और दूसरी स्किल को देखें तो दोनों एक साथ बिल्कुल जा रही हैं दोनों में ही जो रूल्स हैं या फिर तो दोनों में जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल एक साथ जा रहा है दे गो वेल टूगेदर दैट टाइम ऑल्सो वी यूज द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डन तो ये वाला जो ई वाला होता है वो तारीफ से रिलेटेड नहीं है क्योंकि वो हम आए वाले में देखेंगे ठीक है है, तो आई होप ये समझ आ गया आपको जब कोई चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, हम बोलते है इसका मतलब एक चीज दूसरी चीज के साथ जा रही है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जब हमने बोलते हैं कि हमने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया या उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया यानी आपकी तारीफ की तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट अ पॉजिटिव कॉमेंट अबाउट समवन और समथिंग दैट इज किसी की प्रशंसा किसी की तारीफ करना दैट टाइम वी यूज द वर्ड कॉम्प्लीमेंट जो कि होता है विथ आई फॉर एग्जाम्पल द टीचर कॉम्प्लीमेंटेड द स्टूडेंट्स ऑन their नीट वर्क जैसे ही बच्चों ने बहुत साफ सुथरा काम किया यानी फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों को बोला था आपको क्लासरूम डेकोरेट करना है एवरीबडी that, दैट तो ऐसा नहीं था कि सारे क्राफ्ट की जो भी चीज़ें वो इधर उधर मैस करके रखा हो नहीं बहुत नीट और क्लीन काम किया था बच्चों ने तो टीचर ने क्या किया उनकी प्रशंसा की उनकी तारीफ की तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट कौन सी वाले आई वाली स्पेलिंग सो द टीचर कॉम्प्लीमेंटेड द स्टूडेंट ऑन दर नीट वर्क डन नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि फ्री जब कोई चीज आपको फ्री में मिल जाती है यानी आपने आपने कोई चीज़ खरीदी ठीक है बहुत बड़ा प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदा उसके साथ एक छोटू सा आपको फ्री मिला तो वो क्या था कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट था ठीक है तो जब हम किसी फ्री चीज की बात कर रहे होते हैं जो किसी के साथ आपको फ्री में मिलती है उसका कोई चार्ज नहीं लगा कोई अमाउंट नहीं आपसे मांगा गया दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री सो ऑल द गेस्ट विल रिसीव अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट तो जितने भी गेस्ट हैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलेगा ऑल्सो जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं हम बोल रहे हैं तारीफ राइट या फिर किसी को यू नो कुछ अच्छा बोलना या फिर कुछ विश करना अच्छा सा तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे आई वाला यानी ये तो इसमें एक और मीनिंग आप जोड़ सकते हो जब आप तारीफ करते हुए कोई चीज बोल रहे हो जैसे हम लेटर्स में यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज राइट जब हम योर्स ट्रीर्स लविंगली यूज करते हैं तो इट इज वॉट थोड़ा हम तारीफ करते हुए बोल रहे हैं राइट right? कुछ अच्छा लिख रहे हैं दैट टाइम वी यू गो फॉर द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री विथ एन आई डन तो जो भी तारीफ वारीफ से रिलेटेड होगा वहां पर आप आई वाली स्पेलिंग यूज करोगे जब भी कोई एक साथ चीजें जा रही हैं मैच कर रही हैं उस वक्त आप ई वाला यूज करोगे कॉम्प्लीमेंट्री डन ऑल राइट नेक्स्ट पेयर इज करेंट करेंट मतलब दोनों को ही आपने सुना होगा दोनों में yes, difference आपको ये तो पता है कि difference है 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 ये थोड़ा difficult हो सकता है. It's quite confusing, पर बहुत आसान है. जब हम बात करते हैं ई वाला करंट वही है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं हमेशा बात करते हैं यानी कि समथिंग हैपनिंग नाउ जो अभी के टाइम पे होता है हम बोलते हैं ना कि लुकिंग इन टू द करंट सिनारी करंट सिचुएशन यानी अभी जो प्रेजेंट में चल रही है चीजें उस समय को बताने के लिए हम ई वाला करंट यूज करते हैं एंड ऑल्सो मूवमेंट ऑफ अ रनिंग बॉडी ऑफ वाटर ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी अगर कुछ पानी फ्लो कर रहा है तो हम बोलते हैं करंट ऑफ वाटर या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी करंट लग गया तो वो क्या है फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी तो इन सब को बताने के लिए हम कौन सी वाली स्पेलिंग यूज करते हैं ई वाली स्पेलिंग करंट की ठीक है तो कुछ भी जो अभी हो रहा है प्रेजेंट में फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट एन अपडेट ऑन द करंट सिचुएशन मुझे बिल्कुल अपडेट चाहिए मुझे सब कुछ पता चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है कहां? मतलब अभी एट प्रेजेंट तो वहां कहा भी ई करेंट सेकेंडली जब आप बताना चाहते हो तो मूवमेंट ऑफ रनिंग वाटर या फिर रनिंग इलेक्ट्रिसिटी तब भी आप यूज करते हो वर्ड करेंट फॉर एग्जाम्पल द सर्किट वॉज कंप्लीटेड सो दैट करेंट फ्लो टू द लैम्प तो जो करे सर्किट था वो बिल्कुल कंप्लीट तभी हुआ या तो कंप्लीट क्यों किया गया ताकि करंट फ्लो करे तो यहाँ कौन सा करंट है फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी ई वाला डन अब हम जब बात कर रहे हैं करंट की तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो जब हम नहीं आइसक्रीम फ्लेवर खाते हैं ब्लैक करंट राइड जो बहुत ही पॉपुलर टाइप की आइसक्रीम होती है बड़ी टेस्टी से होती है तो वहाँ हम बात कर रहे होते हैं उस फ्रूट करंट की जो कि क्या होते हैं रेफर्स टू अ टाइप ऑफ एडिबल बेरी तो बेरीज होती है ना फ्रूट्स होते हैं वैसे ही एक बेरी होती है जिसको हम करंट बोलते हैं एंड दैट इज व्हाट इज ए वाला ठीक है सो नॉट ई वाला करंट इट्स ए वाला करंट फॉर एग्जांपल आई लव टू ईट करंट यानी आई लव टू ईट बेरीज इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बिजली के झटके खाना पसंद है इसका मतलब है मुझे बेरीज वाले करंट पसंद है सो यू रियली नीड टू बी लाइक विजिलेंट एंड अलर्ट इनफ कि भाई आप कौन सी स्पेलिंग को लगा रहे हो डन ऑल राइट नेक्स्ट इज एंड अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम डिस को अन इंटरेस्टेड से ही जोड़ते हैं यानी अगर आप सिनोनिम्स देखो तो कहीं ना कहीं डिस इंटरेस्टेड में अन इंटरेस्टेड भी आपको मिल जाएगा एज अ सिनोनिम बट एक डिफरेंस है वो क्या है जब भी हम बात कर रहे हैं वर्ड डिस इंटरेस्टेड की इसका मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ अपने पर्सनल एडवांटेज को लेकर नहीं करते हैं हम अगर कोई भी डिसीजन लेंगे कोई भी सजेशन देंगे या कोई भी बात करेंगे आइडिया थ्रो करेंगे एवरीथिंग वुड बी जो कि रियल में हमें लगता है नॉट टेकिंग साइड यानी कि जब हम इम्पार्शियल होते हुए नॉट बीइंग पार्शियल जब हम भेदभाव ना करते हुए या साइड ना लेते हुए या अपना एडवांटेज ना देखते हुए चीज़ें करते हैं दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड डिसइंटरेस्टेड यानी वी आर मूड ऑफ नॉट टेकिंग साइड वी आर नॉट डूइंग समथिंग बिकॉज वी हैव लाइक अन एडवांटेज और सेल्फ एडवांटेज बल्कि हम इम पार्शल होते हुए चीज करते हैं दैट टाइम वी आर डिस इंटरेस्टेड ओके फॉर एग्जाम्पल द लॉयर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव डिस इंटरेस्टेड एडवाइस ठीक है अब यहाँ पर टू गिव है तो ये एडवाइस क्या है ये वाला सी वाला है अभी हमने देखा ठीक है तो हम यहाँ नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं किसको एडवाइस देनी है बट लॉयर विल गिव एडवाइस तो लॉयर एडवाइज तो वहाँ एस यूज करोगे ठीक है यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द स्पेलिंग क्या बात हो रही है तो यहाँ नाम की बात हो रही है कि उसको हम हाँ, वो एक ऑब्लीगेशन के अंडर है वो एक अपनी यू you नो know, उसको करना ही है फॉलो करना ही है उसकी ड्यूटी है कि वो एक डिसएड एडवाइस दे यानी कि इम पार्शियल एडवाइस दे डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अन इंटरेस्टेड अन इंटरेस्टेड मतलब जब हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं ठीक है जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है या मेरा मन नहीं है दैट टाइम वी यूज यू एन वाला अन इंटरेस्टेड फॉर एग्जाम्पल शी वॉज अन इंटरेस्टेड इन वॉट वॉज गोइंग ऑन अराउंड उसको कोई मतलब नहीं था उसके आसपास क्या हो रहा है क्या चल रहा है क्या बातचीत हो रही है क्यों बिकॉज शी वॉज अन इंटरेस्टेड सो दिस इज हाउ यू कैन डेफिनेटली यूज दैम एज लाइक अ डिफरेंट पेयर बट ऑल्सो कई जगहों पर डिसइंटरेस्टेड को यहां पर भी रिप्लेस कर देते हैं बट दिस इज वन मेजर डिफरेंस दैट यू कैन सी इन बोथ डन ऑल राइट नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर इज डेजर्ट एंड डेजर्ट अब ये क्या है भाई दोनों ही सेम साउंड कर रहे हैं बट ये yes, दोनों में एक एस का डिफरेंस है बस और अब कौन सा वाला डेजर्ट का क्या मतलब है इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर जब आप जनरली डेजर्ट की बात करते हो आपको क्या याद आता है भाई रेगिस्तान राइट right? तो यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डबल एस वाला डेजर्ट इट मीनस फ़ाइनल कोर्स कोर्स मतलब पढ़ाई वाला कोर्स नहीं यानी जब आप खाना वाना खा लेते हो हम बोलते हैं ना तो मीन खा ली हमने सो व्हेन वी आर डन विद द मेन कोर्स मेन कोर्स मतलब मेन खाना उसके बाद हम मीठे में कुछ ऑर्डर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं डेजर्ट और उसी की स्पेलिंग होती है डबल एस वाली सो वी वॉट वी मीन बाय दिस वर्ड डेजर्ट इज यूजली अ स्वीट एंड इट्स अ फाइनल कोर्स ऑफ अ मील ठीक है फॉर एग्जाम्पल आफ्टर डिनर वी हैड आइसक्रीम फॉर Desert. मतलब में पानी आ गया ना सबके डेजर्ट सुन के बट ठीक है वीडियो खत्म हो जाए यू कैन डेफिनेटली टेल योर मॉम टू मेक समथिंग मीठा मीठा फॉर यू सो आफ्टर डिनर वी हैड आइसक्रीम फॉर डेजर्ट यहाँ पर आप डबल एस वाला यूज करोगे नेक्स्ट इज डेजर्ट डेजर्ट का मतलब होता है हॉट एंड ड्राई प्लेस इसका मतलब जो सूखी जगह होती है वो ड्राई जो रेगिस्तान होते हैं उनकी बात होती है डेजर्ट जो कि आप सबको पता है ठीक है ना था डेजर्ट आप सबके नाम याद रख से हो और आगे डेजर्ट जोड़ते ही हैं हम ठीक है ना तो दिस एरिया ऑफ द कंट्री इज मोस्टली डेजर्ट तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं डेजर्ट की इसका मतलब होता है कोई ऐसी जगह जो रेगिस्तान है जहाँ बिल्कुल सूखा है जहाँ कैमल्स मिलते हैं राइट एंड दूसरा मीनिंग भी होता है इसका इसका मतलब होता है तो अबैंडन अगर कोई किसी चीज़ को यू नो छोड़ देता है या हमेशा के लिए यू नो मना कर देता है कि अब इसको यूज़ नहीं करेंगे या फिर किसी पर्सन

रहेगी और ये है वो जहाँ पे आप कभी घूमने गए तो बड़ी गर्मी होगी एंड इट्स समथिंग वेरी बोल सकते हो अनकंफर्टेबल दैट टाइम यू कैन यूज सिंगल वाला एस डन ऑल राइट नेक्स्ट इज एम्पथी सिंपथी दोनों ही अलग साउंड कर रहे हैं बट यस yes, इसके यूसेज को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कम हम एम्पथी शो कर रहे हैं कब हम सिंपथी शो कर रहे हैं तो जब आप किसी भी पर्सन की कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है या वो जो उस वक्त कुछ भी डिफिकल्ट फील कर रहा है अगर आप वो समझ सकते हो अगर आप उस ही पेस पे फील कर पा रहे हो उसके लिए बुरा तब एम्पथी बट अगर आपको किसी के लिए बहुत बुरा लग रहा है आप उसको आपको दया आ रही है यानी कि समथिंग जो कि थोड़ा आप एक जैसा फील नहीं कर रहे हो आपको बस बुरा लग रहा है सामने वाले के लिए आपको दया आ रही है दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड सिंप थी ठीक है चलो मीनिंग देखते हैं और डिफरेंस क्लियर हो जाएगा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग्स एज इफ वी वैविंग दैम आर सेल्फ जब हम किसी की फीलिंग्स को किसी की सिचुएशन को ऐसे समझते हैं जैसे कि हम खुद उससे गुजर चुके हैं या जैसे कि उस वक्त हम खुद यू नो सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो उस वक्त एट सेम पेज जब हम किसी को समझते हैं दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड एम्पथी फॉर एग्जाम्पल आई हैड एन एम्पथी फॉर द कैरेक्टर्स यानी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बुक पढ़ी आपने कोई प्ले देखा उसमें जो भी कैरेक्टर्स थे यू कुड लाइक रिलेट टू देम हाँ मैं बिल्कुल वही चीज समझ पा रही हूँ

का यूज़ जब बहुत बुरा लग रहा है, आप दुखी हो रहे हो सामने वाली किस्मत को देखकर सिचुएशन को देखकर आपको दया आ रही है example, जब मुझे चोट लगी तो उसने अपनी सिंपथी एक्सप्रेस की क्यों क्योंकि उसको चोट नहीं लगी उस वक्त तो वो सेम फील नहीं कर रही है उसको बुरा लग रहा है आपके लिए तब सिंपथी वर्ड का यूज होगा डन ऑल राइट नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर इज कोई भी एक नाम इसमें से चूज कर सकते हैं ईस्ट जैसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ठीक है ना और इन्हीं का हम बना देते हैं ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न सदर्न तो कब यूज करना है हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कब हमें बोलना है कि ईस्टर्न है वेस्टर्न है नॉर्दर्न है या साधर्न है ये आप डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हो अगर आप सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हो कि भाई ये नॉर्थ की तरफ है या फिर यहाँ से आप अगर इतना डिग्री एंगल नॉर्थ की तरफ चले जाओ साउथ की तरफ चले जाओ तो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो ठीक है दैट टाइम यू वुड यूज़ द वर्ड इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट जो आपको चाहिए लगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल देर आर माउंटेन्स टू द नॉर्थ है नॉर्थ की तरफ माउंटेन्स हैं वहाँ पर माउंटेन एरियाज बहुत आपको मिल जाएंगे क्लियर तो जब भी आपको ये बताना है कि आप किस तरफ की बात कर रहे हो दैट टाइम यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम डिपेंडिंग आप भाई कहाँ की बात कर रहे हो ईस्ट देन ईज नॉर्थ साउथ और वेस्ट क्लियर बट जब आपको रिलेट करना है दैट समथिंग इज इधर नॉर्दर्न साधर्न ईस्टर्न या वेस्टर्न

इतना बताना है कि वो उस डायरेक्शन में है या फिर उस डायरेक्शन को रेफर करते हुए बता रहे हो कि भाई वहाँ का पार्ट है उस जोग्राफिकल एरिया का पार्ट है दैट एम यू गो फॉर दीस वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल दर्शन हैज़ ट्रैवल्ड इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न कंट्रीज कोई दर्शन है भाई उन्होंने जितनी भी नॉर्दर्न कंट्रीज हैं उसमें ज़्यादातर सारी कंट्रीज में ट्रैवल किया है सो हर यू वॉन्ट टू रेफर कंट्रीज विच आर देर सिचुएटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन ठीक है तो जब नॉर्थ डायरेक्शन की बात कर रहे हो दैट टाइम यू विड यूज नॉर्थ बट इफ यू आर टेलिंग कि भाई उस डायरेक्शन में ये कंट्रीज हैं उस जोग्राफिकल एरिया का पार्ट है दैट टाइम यू वुड यूज नॉर्थ एंड क्लियर सिमिलरली विथ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ यू कैन यूज इट डिपेंडिंग क्या भाई कहाँ की बात कर रहे हो डन ऑल राइट नेक्स्ट इज एवरी डे एवरी डे यानी एक में स्पेस है एक में नहीं है तो हमने जैसे ऑलरेडी की बात की थी ना जब हम स्पेस की बात कर रहे थे ऑल रेडी यानी हम ऑल को इंपॉर्टेंस दे रहे थे बट ऑलरेडी तो उसके अलग मीनिंग्स हैं सिमिलरली जब हम एवरी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हर दिन ठीक है तो एवरी डे और जब हम बात करें हर दिन की बात है यार ये तो मतलब हर दिन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो एवरी डे ऑर्डिनरी बोल रहे हो तब एवरी डे विदाउट स्पेस कम जैसे कि समझते हैं जैसे अगर हम स्पेस वाले की बात कर रहे हैं एवरी डे इसका मतलब है इट रेफर्स टू सम्पन्स डेली जो रोज होता है या आप रोज करते हो तो वहां रोज डेली को इंपॉर्टेंस दे रहे हो दैट्स वाई एवरी और डे में स्पेस है फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉक्स एवरी डे वो रोज वॉक पे जाता है तो वहाँ पर वो रोज वो काम कर रहा है रोज़ वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है इसीलिए आप एवरी स्पेस डे का यूज़ कर रहे हो नेक्स्ट इज एवरी डे एवरी डे जहाँ पे स्पेस नहीं है इट मीन्स इट डिस्क्राइब समथिंग दैट इज कॉमन प्लेस और ऑर्डिनरी जो हर रोज की बात हो गई है मतलब नॉर्मल है ऑर्डिनरी है कॉमन है तब हम बोलते हैं एवरी डे विदाउट स्पेस फॉर एग्जाम्पल हर राइटिंग्स वर ऑन एवरी डे टॉपिक्स हर दिन के टॉपिक नहीं एवरी डे यानी जो नॉर्मल होते हैं जो ऑर्डिनरी टॉपिक्स होते हैं उसी पे बेस्ड उसने कुछ लिखा था डन तो इस तरीके से जब आप हर दिन का बता रहे हो कि भाई आई ईट हेल्दी फूड एवरी डे तब आप स्पेस दोगे बट अगर आप बात कर रहे हो एवरी डे थिंग्स की यानी जो रोजमर्रा की चीजें होती है जो ऑर्डिनरी होती हैं दैट टाइम यू यूज इट अ स्पेस डन ऑल राइट नेक्स्ट इज एफिशेंट इफेक्टिव अब अगर आप किसी के बारे में बताना चाह रहे हो कोई चीज़ इफेक्टिव है और बोलना चाह रहे हो कोई चीज़ एफिशिएंट है तो दोनों में डिफरेंस है बट जब हम ये दोनों वर्ड यूज़ करें मैं आपको बोलूं कि दोनों का डिफरेंट सेंटेंस बना के दो बहुत से तो ऐसे लोग होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे ये भाई मीनिंग तो सेम ही लग रहा है बट दे आर डिफरेंट हाउ लेट्स जस्ट चेक दैट आउट सो एफिशियट मीन्स समथिंग दैट डज द थिंग्स परफेक्ट यानी कोई एफिशिएंट है किसी में इतनी क्षमता है कि वो कोई चीज़ परफेक्टली कर ले तब हम यूज़ करते हैं वर्ड एफिशिएंट यानी कुशल स्किल्ड क्लियर फॉर एग्जांपल ही इज़ एन एफिशिएंट एम्प्लॉय यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है उसमें एबिलिटी है कि वो हर चीज़ अच्छे से करता है ऑफिस का पूरा काम अच्छे से करता है सो ही इज़ एन एफिशियंट एम्प्लॉय क्लियर नेक्स्ट इफ़ेक्टिव समथिंग दैट गिव्स यू द रिजल्ट यू वॉन्ट इफेक्टिव मतलब जो काम करता है ठीक है एफिशिएंट मतलब जो कुछ अच्छा करने की क्षमता रखता है एबिलिटी है किसी चीज़ में या किसी पर्सन में और इफेक्टिव का मतलब जैसा उसमें लिखा है जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो अगर उसमें लिखा हुआ है कि हाँ अगर आप इसको जैसे लगाते हो सर दर्द गायब अगर वो गायब हो जाता है लिटरली तो आप क्या बोलोगे कि भाई प्रोडक्ट इफेक्टिव था यानी उसका रिजल्ट वैसा ही था जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट टाइम यू वुड यूज द वर्ड इफेक्टिव एफिशियंट नहीं बोलोगे उसको क्लियर फॉर एग्जाम्पल टेकिंग दिस मेडिसिन इज अ वेरी इफेक्टिव क्योर फॉर कफ जैसे खांसी वगैरह हो रही है तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत इफेक्टिव है यानी आपको रिजल्ट क्या चाहिए खांसी जल्दी ठीक हो जाए इसका रिजल्ट मिलता है है इसे पीने से सो इट इज़ एन इफेक्टिव मेडिसिन बट ये जो ही हैज द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग बहुत अच्छे से तो दैट्स वाई ही इज एन एफिशियंट इम्प्लॉ डन तो इस तरीके से एफिशियंट और इफेक्टिव में डिफरेंस होता है क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज हेयर 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 तीनों को ही एक जैसा बोल रहे हैं तीनों डिफरेंट है कैसे स्पेलिंग में भी और इनका मतलब ही डिफरेंट है सबसे पहला हेयर मतलब बाल भाई सभी को पता है राइट सो एनी ऑफ द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रांड ग्रोइंग फ्रॉम द स्किन ऑफ मैमल्स एंड सम अदर एनिमल्स अगर किसी को मतलब बाल की डेफिनेशन बतानी हो तो डेफिनेटली ये, ये यूज कर सकते हो सो so, जब बालों की बात हो रही है तब हम यूज करते हैं एच ए आई आर वाला हेयर जो आई गेस सभी को पता है इट मीन्स शी टाइड हर हेयर बैक विथ अ रिबन। उसने अपने बाल जो है वो कैसे टाई किए रिबन के थ्रू तो यहाँ पे बालों की बात हो रही है दैट्स माई वी यूज द स्पेलिंग एच ए आई आर वाला नेक्स्ट एच ए आर E है ये है भाई एक एनिमल फास्ट रनिंग एनिमल दैट लिव्स इन फील्ड लाइक रैबिट बट लार्जर विद लॉन्ग अ डिवाइडेड अपर लिप्स यानी कि जो रैबिट नहीं होता खरगोश वही हम हेयर को भी खरगोश ही बोलते हैं तो दोनों को सब सिमिलर मानते हैं बट एक डिफरेंस है कि दोनों ही क्या है भाई फास्ट रनिंग है डेफिनेटली बट येस हेयर जो होता है उसके कान थोड़े बड़े होते हैं इट हैज लाइट लॉन्ग ईयर्स एंड ऑल्सो उसके जो लिप्स हैं दे आर काइट डिवाइडेड तो ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन अ हेयर एंड अ रेबिड और इसी डिफरेंस पे बेस्ड लेट्स सी एन एग्जाम्पल द टोटोइज इज द रेस वाइल द हेयर इज

नेक्स्ट इज एयर अब इसका एच जो है वो साइलेंट होता है सो वी नीड टू रीड इट लाइक एयर हेयर मत बोलना है इसको सो इट मीन्स पर्सन लीगली एंटाइटल टू द प्रॉपर्टी और रैंक ऑफ अनादर ऑन दैट पर्सनस डेथ यानी कि जब हम बात करते हो ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है देन उनकी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं प्रॉपर्टी है घर है एवरीथिंग वो किसके नाम पे होगा तो वो पर्सन को हम क्या कहते हैं एयर सो संजय वॉज रेकग्नाइज एज द लॉफुल एयर मतलब उसको जो है लीगली या लॉफुली ये बताया गया कि भाई संजय वुड बी द वन जो कि अपने फादर की जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं प्रॉपर्टीज हैं उसका एक वारिस है डन ऑल राइट नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है हैंग्ड और हंग दोनों ही पास्ट हैं ठीक है बट कब यूज करना है हैंग्ड कब यूज करना है हंग दोनों में डिफरेंस है नंबर वन हैंग मीन्स वी किल्ड बाय हैंगिंग जो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है ना तब हम बोलते हैं हैंग या फिर कोई जो है अनफॉर्चुनेटली इफ समबडी टेक्स अ स्टेप टू डाई यू नो बिकॉज बाय गेटिंग हैंग तो तब हम बोलते हैं कि हैंग इज़ द वर्ड यानी बाय किल्ड बाय हैंगिंग लटकने से किसी की अगर डेथ हो जाती है तो फॉर एग्जाम्पल द विक्टिम्स वर हैंग जो भी विक्टिम्स थे द वंस हु वर इन्वॉल्व इन अ क्राइम उन सबको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई सो बिकॉज ऑफ हैंगिंग उनकी डेथ हुई ना राइट तो इसीलिए वहाँ यूज़ करते हैं वर्ड हैंग बट हंग का मतलब होता है सस्पेंड और बी सस्पेंडेड फ्रॉम अब द लोअर पार्ट डैंगलिंग फ्री यानी सीधी सिंपल भाषा में समझे तो कोई चीज जिसे यहां पर अगर लटकाया है तो वो नीचे से फ्री है यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक यू you नो know, कपड़े सुखाने वाली जो हमारी रस्सी होती है रोप है उस पर हमने किसी कपड़े को यहाँ पिन से अटैच कर दिया वॉट इज दिस मैन ओके तो ये रोप है यहाँ पे ये एक कपड़ा जो है वो लगा दिया आपने हेयर क्लिप से तो ये जो है नीचे से तो क्या है फ्री है ना ये कपड़ा ठीक है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है क्या करें स्कर्ट बना देते हैं तो ये जो है कपड़ा इसको यहाँ पे आपने अटैच किया विद द रोप तो ये क्या है ओके ओके सो यहाँ पर ये जो है स्कर्ट है ये क्या हो रहा है भाई इससे फ्री लटक रहा है ना इट्स डैंगलिंग वेरी लाइक फ्रीली तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये हंग है ठीक है जैसे कि आप दरवाजे के पीछे कपड़े टांग देते हो तब हम यूज करते हैं वर्ड हंग तब हम हैंग्ड नहीं बोलेंगे हैंग्ड सिर्फ आप यूज करते हो व्हेन सम बडी स्किल्ड ड्यू टू हैंगिंग और जब हंग हम बोल रहे हैं जब किसी चीज को हम लटकाते हैं सस्पेंडेड डन फॉर एग्जाम्पल आई हंग माई बाथरूम बिहाइंड द डोर यानी दरवाजे के पीछे आप कपड़े लटका देते हो तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं हंग डन ऑल राइट नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है इम्प्लाय और इनफर ठीक है तो इम्प्लाय का मतलब होता है टू सजेस्ट और टू से मतलब ये है ठीक है ना सो टू सजेस्ट और से का संकेत करना इंडिकेट करना या फिर किसी चीज का मतलब कुछ निकल रहा है हम बोलते हैं अच्छा ठीक है इस लाइन का मतलब ये है तो वहां हम यूज करते हैं वर्ड इम्प्लाय सो द्लॉय ट्राइड टू इंप्लाय दैट शी डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क ऑन वीकेंड फॉर एग्जाम्पल देर इज अचुएशन ऑफिस में मीटिंग वीटिंग चल रही है बॉस ने बोला भाई सैटरडे संडे सबको काम करना पड़ेगा बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग देर इज दिस गर्ल जो कि इंप्लॉई जो ट्राई कर रही थी टू गिव सजेशन कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मंडे से फ्राइडे में काम खत्म हो जाए ऐसा वैसा वैसा तो सबको क्या लग रहा था कि वो आइडियाज दे रही है जितनी जल्दी काम हो जाए उसके बट वो एम्प्लाय क्या करना चाहती थी अपनी बातों से शी वॉन्टेड टू एक्चुअली से कि वीकेंड पे काम करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं है तो वहां हम यूज करते हैं वर्ड इम्प्लाय इन्फर कब यूज करेंगे तो Infer means to टू सपोज और कम टू conclusion. अगर आप किसी कंक्लूजन पे आ जाते हो किसी चीज का मतलब कुछ निकल रहा है दैट इज imply. बट जब आप यही बता रहे हो कि कुछ कंक्लूजन निकल रहा है मतलब इसका जो फाइनली सार है वो यही है स्पेशली बेस्ड ऑन एन इनडायरेक्ट जेशन ठीक है तब हम बोलते हैं इन्फर यानी परिणाम निकालना कंक्लूजन होना चाहिए यहाँ सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है इम्प्लाय बट इसका मतलब ये निकल रहा है यही कंक्लूजन है दैट टाइम इट इज़ इन्फर फॉर एग्जाम्पल इट इज डिफिकल्ट टू इन्फर एनी थिंग फ्रॉम दिस लिटिल इन्फॉर्मेशन यानी दिस इंफॉर्मेशन इम्प्लाईज यानी वो बता रही है ये बात बट इट्स डिफिकल्ट टू इन्फर ये कंक्लूजन निकालना इतनी सी इंफॉर्मेशन से बहुत डिफिकल्ट है डन तो इस तरीके से दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है क्वायर्ट एंड क्वाइट क्वाइट यानी भाई हमारी टीचर्स का फेवरेट राइट सिट बी क्वाइट राइट right? तो मतलब शांत हो जाओ बिल्कुल चुपचाप बैठो क्लास में साइलेंस इन द क्लास तो तब हम यूज करते हैं वर्ड क्वायर्ड इट मींस डिस्क्राइब समथिंग और समवन दैट मेक्स वेरी लिटिल नॉइस अगर कोई चीज बड़ी शांत है कुछ आवाज बहुत कम करती है यानी नॉइस से रिलेटेड कुछ भी यूज कर रहे हो तब आप हाँ वर्ड यूज़ करोगे क्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल द किड वॉज क्वायर्ड इन द क्लास जो बच्चा था वो क्लासरूम में शांति से बैठा था महस, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था सो so, जब आप शांति की, की बात करते हो बिल्कुल नॉइस नहीं है या बहुत कम आवाज़ है तब हम यूज करते हैं क्वाइट बट क्वाइट क्या है क्वाइट मतलब डिस्क्राइब एन समथिंग इज अ लिटिल और अ लॉट बट नॉट कम्प्लीटली यानी थोड़ा बहुत जैसे आपसे कोई पूछे डिड यू यू नो लाइक द डिनर इन दैट रेस्टोरेंट यू वुड बी लाइक Quite a bit. बस थोड़ा बहुत अच्छा लगा पूरी तरीके से अच्छा नहीं लगा या फिर डू यू अग्री विदिया आई क्वाइट अग्री विदा बहुत जो है अग्री करती हूँ नॉट कम्पलीटली तो जब आप ये बता रहे हो समथिंग इज वेरी लिटिल आप थोड़ा बहुत ही किसी से यू you नो know, um, कोई चीज आपको सही लग रही है आप अग्री करते हो दैट टाइम इट वुड बी क्वाइट बट वेन यू वॉन्ट टू टेल अबाउट कुछ खुशांत है या बहुत कम आवाज है अब ये गलती जो है जब हम एप्लीकेशन लिखते थे ना जो स्कूल में जब हम सिक लीव की एप्लीकेशन लिखते हैं या स्कूल में क्वेश्चन जब आता है आपको सबसे पहला आप एप्लीकेशन लिखना ही सीखते हो सिक लीव स्पेसिफिकली तो वहां पर प्रिंसिपल जो होती है जहाँ पे हम पहले लिखते थे टू द प्रिंसिपल अब हम द प्रिंसिपल लिखते हैं तो वहाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग में बहुत लोग गलती करते थे, थे और एक मस्त सा गोला मिलता था और उसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे राइट तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो है पी ए एल और पी एल ई दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है जब हम बात करते हैं ए एल वाला प्रिंसिपल तब होता है हेड मास्टर ऑफ स्कूल और अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ सर्टेन थिंग्स इन अ कंपनी जो इंचार्ज है जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल तो वो पी ए एल होता है पी एल ई नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर आपको बस यही ध्यान में रखना है कि भाई प्रिंसिपल इज द मेन वन तो यहाँ हम फर्स्ट लेटर इसी को देंगे जो मेन है तो इट वुड बी लाइक प्रिंसिपल द वन हु इज देड मास्टर वन हुज द इंचार्ज ऑफ वट एवर कंपनी और इंस्टीट्यूशन वी आर टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल अनाउंसड द रिजल्ट यानी कौन सी प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल तो उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किए तो हैर इट वुड बी ए एल ना कि एल ई प्रिंसिपल क्या होता है जो एल ई वाला इसके जो हैं दो मीनिंग होते हैं नंबर पहला अ प्रिंसिपल इज अ रूल यानी जब कोई रूल होता है ना कि ये ही फॉलो करना है कोई लॉ है कोई गाइडलाइन है कोई फैक्ट है यानी आपको ये फॉलो करना ही करना है इट्स कंपल्सरी तब हम यूज करते हैं पीएलई वाला प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल द हैव टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करनी ही है कुछ ना कुछ रूल कुछ ना कुछ लॉ फॉलो करनी ही है एक और मीनिंग होता है इसका जब हम बोलते हैं दैट पर्सन हैज लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि कोई पर्सन जिसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसी बात होती है जो बड़ा यू नो डिसिप्लिन होता है या कुछ चीजें हैं जो पर्सनली फॉलो करता ही करता है संस्कार होते हैं जिसमें हम बोलते हैं ना तब हम यूज करते हैं वर्ड प्रिंसिपल क्लियर तो बस यही ध्यान में रखना है जब एप्लीकेशन लिख रहे हो तो स्कूल के प्रिंसिपल ए एल वाले हैं और बाकी जो लॉस फैक्ट संस्कार इनकी बात होती है दैट इज एल ई डन ऑल राइट नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेर इज पर्सनल पर्सनेट पर्सनल मतलब सबको पता है राइट यानी ऑफ रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द पर्सन जो खुद से रिलेटेड है पर्सनल बोलते ना पर्सनल बातें हैं भाई ये पर्सनली हमारे मतलब बात में जो बोल सकते हैं कि पर्सनल मैटर है वो बोलते हैं राइट right? तो पर्सनल मतलब विच इज़ रिलेटिंग टू और विच इज़ समथिंग अफेक्टिंग द पर्सन फॉर एग्जाम्पल द बुक वॉज रिटर्न बेस्ड ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस जो बुक लिखी गई थी वो किसी पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी यानी कुछ खुद का uh, बोलते ना कि हमारा निजी जो एक्सपीरियंस था उस पर बेस्ड थी राइटिंग टाइम यू वुड यूज़ दिस वाली स्पेलिंग बट जब आपको पर्सनल बोलना है, इसका होता है, company. Company में जो होते है उनको हम पर्सनल बोलते हैं इसका मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप जो कॉमन रूल्स फॉलो कर रहा है किसी भी कंपनी में या इंस्टीट्यूशन में तब हम यूज करते हैं ये वर्ड फॉर एग्जाम्पल ओनली ऑथराइज पर्सनल हैव एक्सेस टू द कैबिन यानी सिर्फ जो Authorized है, जिनके पास यू you नो know, एक बोल सकते हो कि परमिशन है ठीक है ना वही इस केविन में एंटर कर सकते हैं यानी कि यहां पर जो काम करने वाला ग्रुप है सो दैट टाइम ग्रुप को रेफर करने के लिए पर्सनल हम वर्ड यहां यूज करते हैं डन ऑल राइट नेक्स्ट पेन इज प्लेन प्लेन अब जब हम बात करते हैं आई एन वाले प्लेन की इसका मतलब क्या होता है भाई जो हम सोशल स्टडीज सोशल साइंस में पढ़ते हैं सिंपल एंड ऑर्डिनरी लुकिंग विथ नो डेकोरेशन अ लार्ज फ्लैट एरिया विथ फ्यूअर ट्रीज तो सबसे पहले सोशल साइंस वाला देख लेते हैं जो बहुत बड़ा सा फ्लैट एरिया हो जहाँ पे बस कुछ पेड़ वेड़ लगे हों मैदान वाला एरिया तब हम यूज करते हैं पी एल ए आई एन और दूसरा मीनिंग होता है जब कोई चीज जो है वो सिंपल है यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि um, ये ड्रेस कैसे लग रही है बड़ी प्लेन सी लग रही है यानी कुछ बना हुआ नहीं, कुछ नहीं है, है कुछ डेकोरेशन नहीं है सिंपल है कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उस पर तब हम यूज करते हैं पी एल ए आई एन वाला प्लेन डन फॉर एग्जाम्पल प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग शुड बी फॉलोड इन लाइफ यानी सिंपल लिविंग सिंपल की बात करनी है ऑर्डिनरी बिल्कुल कुछ भी थोड़ा तड़कता डेकोरेटिव सा नहीं तब आप यूज कर सकते हो वर्ड प्लेन तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग शुड बी फॉलोड इन लाइफ और दूसरा वाला आई विजिटेड द कोस्टल प्लेन कोस्टल प्लेन सभी ने सुना है राइट right? तो ये जो जगह है जहां पे थोड़ा ये तो हटाई दो इतना तो बीच बीच होता नहीं है तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसे मैदान जहाँ पे सिर्फ थोड़े बहुत पेड़ होते हैं दैट टाइम यू यूज द वर्ड प्लेन डन नेक्स्ट इज प्लेन एन ई वाला इसका मतलब होता है जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो फ्लैट सर्फेस वेर अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट कैन होली लाय यानी कंप्लीटली लाई जैसे बोलते ना कि एक प्लेन बन रहा है यहां पे एक प्लेन बन गया मैथ्स में जो पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल हॉरिजोटल प्लेन जैसे बोलते हैं वर्टिकल प्लेन बोलते हैं तो उस वक्त हम यूज करते हैं ये वाली स्पेलिंग क्लियर बट जब जनरली हम मैदान की बात कर रहे हैं सिंपल लिविंग की बात कर रहे हैं दैट टाइम इट इज पी एल ए आई एन वाला प्लेन क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज दैन देन ठीक है दोनों में डिफरेंस है बट कंफ्यूज सब होते हैं ए वाला यूज करें कि ई e वाला यूज करें तो दैन मतलब अ कंजंक्शन यूज टू इंट्रोड्यूस द सेकेंड पार्ट ऑफ द अनइक्वल कंपेरिजन जब वो बोलते ना नहीं इससे बेहतर ये है यानी कि सेंटेंस में दो पार्ट हैं दोनों जुड़े हुए हैं किससे कंजंक्शन दैन से और ये पहले से दूसरे को इंट्रोड्यूस करा रहा है तब हम बात करते हैं दैन की फॉर एग्जाम्पल चलो एग्जाम्पल देखते क्लियर हो जाएगा दे वेंट आउट लेस दैन दे डिड वैन दे फर्स्ट मूव टू मुंबई यानी पहला पार्ट क्या है वेंट आउट अभी की बात हो रही है ठीक है ना मतलब बाहर जाते थे कैसे कम जाते थे बाहर किसके कंपैरिजन में वो है सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस दे डिड व्हेन दे फर्स्ट मूव्ड टू मुंबई तो सबसे पहले जब मुंबई शिफ्ट हुए तब पे तब जितना जाते थे ना बाहर घूमने उससे बहुत कम अब जाते हैं तो so दो पार्ट्स हैं अब और तब उन दोनों को जोड़ कौन रहा है देन तो ऐसे ही दैन को यूज करते हैं जब हम सेकेंड हाफ को यूनो बता रहे हो उस सेंटेंस के दूसरा मीनिंग क्या होता है दान का यूज टू डिस्क्राइब एक्सेप्ट और वेन यानी कि इसके अलावा या फिर कब हुआ है टाइम भी बताने के लिए हम यूज करते हैं दैन को फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट बिलीव इन ऑब्जर्विंग रादर दैन टेकिंग एन एक्शन कि एक्सेप्ट या फिर इसके अलावा. क्या मतलब हुआ इसका कि भाई हमें जो है इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए ये नहीं कि हम उस पर एक्शन ले लें तो जब हम ये बता रहे कि भाई इसके अलावा हमें ये चीज ना करके कुछ और करनी चाहिए that time also we go for the word सिमिलरली थर्ड मीनिंग यही चल रहा है अभी दान ही चल रहा है ठीक है थर्ड मीनिंग है यूज टू डिस्क्राइब इन रिलेशन टू और बाय कम्पेरिजन विथ जब हम कंपेयर करते हुए बता रहे होते हैं ना या किसी चीज़ के रिलेशन में किसी चीज़ को लेते हुए एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी को तब भी हम यूज़ करते हैं दान का फॉर एग्जाम्पल शी वॉज मच स्मॉलर देन हर ब्रदर देन मत लिखना ठीक है यानी कि वो अपने भाई से छोटी है या हाइट की बात करें अगर तो उसकी हाइट उसके भाई से बहुत छोटी थी या छोटी है तो यहां आप कंपेयर कर रहे हो या इन रिलेशन बता रहे हो उसके भाई से तब आप यूज कर रहे हो दैन का डन ऑल राइट तो ये थे बेसिक से मीनिंग जो आप दैन के लिए यूज कर सकते हो अब हम देखते हैं कि दैन को कहां यूज करना है एट दैट टाइम या एट द टाइम इन क्वेश्चन जब हम बात करते हैं कि भाई उस वक्त ठीक है ना किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करो कि इस वक्त की बात है या इस वक्त जब क्वेश्चन में आप रिलेट कर रहे रहती थी या हॉस्टल में रहती थी या रेंटेड रूम में रहती थी तो तब हम बात कर रहे हैं देन की क्लियर नेक्स्ट मीनिंग है आफ्टर दैट या नेक्स्ट जब हम बता रहे होते कि इसके बाद इस चीज के नेक्स्ट देन वी यूज एच ई एन वाला फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप वन द फर्स्ट एंड देन द सेकेंड मैच पहले वो फर्स्ट मैच भी जीते उसके बाद आफ्टर दैट उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ वो सेकेंड मैच भी जीत गए तो हमने यूज किया देन ना देन। Clear? और एक मीनिंग जो है देन का वो है इन दैट केस यानी उस अवस्था में उस सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू वॉट यूर पेरेंट टेल यू देन देर निंग टू वरी अबाउट यानी अगर आ तुमने अपने वही चीजें की जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एडवाइस करते हैं सजेशन देते हैं तो उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व एनालाइज्ड थॉट अबाउट इट एंड देन दे काइंड ऑफ गिव यू द सजेशन तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर पेरेंट्स ने जो बोला अगर तुमने वो किया तब उस सिचुएशन में यानी इन दैट केस तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है देर इज नथिंग टू वरी अबाउट तो वहाँ पे भी देन यूज़ किया तो बहुत सारे मीनिंग है आई होप आपको यहाँ पर पूरे अच्छे समझ आ गए कब दैन यूज़ करना है कब देन यूज़ करना है इसकी प्रैक्टिस करो डेफिनेटली आपको समझ जाएगा कि हाँ भाई कौन सी स्पेलिंग कहाँ एप्लीकेबल होगी क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट पेयर है स्टेशनरी स्टेशनरी यानी जब हम बात करते हैं एन ए आर वाई वाला स्टेशनरी और ई e आर वाला स्टेशनरी तो हमें ज्यादातर तो भाई अपनी स्टेशनरी की दुकान याद आ जाती है राइट वो कौन सा है वो ई आर वाई वाला है क्लियर तो पहले ए आर वाला देख लो यूज टू डिस्क्राइब टू यूज अ पर्सन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दैट इज नॉट मूविंग और चेंजिंग यानी कोई चीज जो हिल नहीं रही है जो रुकी हुई है स्टिल है मूवमेंट नहीं है तब हम ए वाला स्टेशनरी यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल माई बाइक को लाइडेड विद स्टेशनरी ट्रक यानी कोई ट्रक जो खड़ी हुई थी हिल नहीं रही थी चल नहीं रही थी उधर पे ही थी उससे मेरी कार का कोलिजन या मेरी बाइक का कोलिजन हो गया यानी टकरा गई तो यहाँ स्टेशनरी ए वाला यूज करोगे ई वाला नहीं क्लियर ई वाला क्या है भाई स्टेशनरी वही जो हमारे घर पे दुकान है वही स्टेशनरी की सो यूज टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ ऑफिस आइटम एम्बुलोब्स पेपर्स एंड कार्ड्स स्टेशनरी आइटम्स जो चीज़ें आप अपनी ड्राइंग आर्ट क्राफ्ट ऑफिस काम वाम कॉपी किताब जो भी आप खरीदते हो जो स्टेशनरी की दुकान पे जाते हो वो ईआरवाई e वाला है क्लियर फॉर एग्जाम्पल आई गॉट अ रेंज ऑफ स्टेशनरी यानी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्टेशनरी आइटम्स की वो मंगाई क्लियर ऑल राइट Now the last and the final confusing pair of this video is despite ऑल दो और इंस्पाइट ऑफ भी होता है ठीक है बट यहां डिस्पाइट और ऑल दो में बड़ा डिफरेंस होता है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है दोनों का ही मतलब होता है दाउट बींग अफेक्टेड बाय यानी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे हम बोलते हैं ना कि डिस्पाइड ये जो भी फैक्ट था आई वेंट टू द रेस्टोरेंट यानी भले ये चीज हुई बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा मैं उसके उस चीज के होने के बावजूद मैंने वो एक्शन किया तब हम यूज करते हैं डिस्पाइड और सिमिलरली हम यूज करते हैं ऑल दो अब डिस्पाइड और इंस्पाइड ऑफ एक साथ जाता है यानी या तो डिस्पाइड लिख लो या इंस्पाइड ऑफ लिख लो तो दोनों पे रूल सेम ही है क्लियर बस डिफरेंस किस में लाया करता है दोनों के यूसेज पे कहा डिस्पाइड

नहीं बोल सकते क्लियर तो जब भी नाउन और प्रोनाउन हो और आपको ये मीनिंग लिखा लिख मतलब दिखाना है कि डिस्पाइट यू नो दिस फैक्ट और विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय दिस फैक्ट तब आप डिस्पाइट का यूज करोगे सिमिलरली यहाँ इंस्पाइट ऑफ लिख सकते हो डिस्पाइट ऑफ नहीं होता सिर्फ इंस्पाइट ऑफ होता है क्लियर नेक्स्ट है ऑल्दो मीनिंग वही है बट कहां यूज करते हैं ऑल्दो इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब यानी जहां सब्जेक्ट और वर्ब हो वहां आप यूज कर सकते हो ऑल्दो को फॉर एग्जाम्पल वी हैड अ ग्रेट टाइम ऑल्दो इट रेंड तो इट रेंड एंड इज वॉट इट्स रेंड इज वॉट वर्ब राइट तो यहाँ पर आप सिर्फ रेन लिखते हैं तो वो नाउन हो जाता यहाँ पे फिर डिस्पाइट आता बट यहाँ पे क्योंकि इट रेंड है जो कि एक सब्जेक्ट और वर्ब है तो आपने यहाँ क्या यूज कर लिया आपने यूज कर लिया ऑल दो क्लियर बस इतना छोटू सा डिफरेंस है कि डिस्पाइट ऑल दो का मीनिंग सेम है डिपेंड्स ऑन द यूसेज सब्जेक्ट वर्ब है तो ऑल दो लगाओ नाउन प्रोनाउन है तो डिस्पाइट लगाओ क्लियर ऑल राइट

स्किल्स समवेयर जहां पर आपको कंफ्यूज करते थे वर्ड बट आई होप दे विल नॉट डू इट नाउ क्लियर ऑल राइट सो विदम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक वेरी एज इन द अपकमिंग वीडियोज वी आर गोइंग टू मीट विद व वेरी वेरी फन एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक सो स्टे टूड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग